इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामनगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर कानिया गांव में, जहां पर होली की तैयारियों में यहां पर महिलाएं लगी हैं। आपको बता दें कि यहां पर हर्बल कलरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिससे बहुत बार हम सुनते हैं कि रंग लगाने से त्वचा बेकार बेकार हो जाती है, बहुत सारे एलर्जी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये महिलाएं हर्बल कलर का इस्तेमाल करके यहाँ पर रंग बना रही है। अगर आप केमिकल से बने रंगों से होली खेलने से डरते हैं तो आप घबराइए नहीं। रामनगर से पास स्थित कानिया ग्राम सभा में महिलाओं की ओर से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि हर्बल रंग सब्जियों और फलों से बनाए जा रहे हैं, इससे ये त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हर्बल कलर बनाने में कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। आसपास के क्षेत्रों से इनकी अच्छी डिमांड भी आ रही है। अगले हफ्ते देश में होली का पर्व है, जिसको हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है। होली आपसी भेदभाव भूलकर प्रेम पूर्वक मिलने का पर्व है। इस पर्व में रंगों का विशेष महत्व है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की खुशियां बांटते हैं, लेकिन कई बार केमिकल वाले रंग होली का मजा बिगाड़ देते हैं। ऐसे में रामनगर के कानिया गाँव की वुमेन रिसोर्सेज सेंटर समूह की महिलाएं हर्बल कलर से रंग बनाने का कार्य कर रही है। इन हर्बल कलर्स को फूलों एवं सब्जियों से बनाया जा रहा है, जो त्वचा के लिए हानिकारक भी नहीं होता है। गुलाल बनाने के लिए अरारोट पाउडर के साथ प्राकृतिक रंगों के अर्क को मिलाया जा रहा है। इसमें चुकंदर से गुलाबी रंग, पालक के रस से हरा रंग, हल्दी और गेंदा का रस मिलाकर पीला रंग बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से सारी हर्बल चीजों का इस्तेमाल कर 25 से ज्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई है। वुमेन रिसोर्सेज सेंटर की संयोजक अनिता आनंद ने बताया कि देहरादून से संचालित होने वाले पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी जी के संस्थान हेस्को के अंतर्गत हमारा वुमेन रिसोर्सेज सेंटर समूह कार्य कर रहा है। इसमें लगभग 25 से ज्यादा आसपास की महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई हैं। अनीता आनंद बताती हैं कि वो सारी ऑर्गेनिक चीजों पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ सारे रंग ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि चुकंदर से हम गुलाबी रंग बनाते हैं, हल्दी से पीला रंग बनाते हैं, गेंदे के फूल से नारंगी और पालक और धनिये से हरा रंग बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा अरारोट में फलों और सब्जियों और फूलों आदि का रस निकालकर रंग आने के बाद उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसको बारीक करने के लिए मिक्सी में पीसा जाता है, फिर इसको और बारीक करने के लिए छन्नी से छान कर रंग तैयार किया जाता है। अनिता आनंद ने बताया कि इस बार उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक उनके पास 150 किलो रंग का ऑर्डर अलग अलग क्षेत्रों में स्थित रिजॉर्ट या दुकानदारों से आ चुका है। 180 किलो का उत्पादन अभी तक उनके समूह द्वारा किया जा चुका है। उन्हें उम्मीद है कि 200 किलो पार करेगा। उन्होंने बताया कि 12 महिलाएं इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। ज्यादा डिमांड आने पर 25 से 30 महिलाओं को यहां से रोजगार मिलता है। मेरा नाम अनीता आनंद है और हमारे समूह का नाम है वुमेन रिसोर्स सेंटर में एक्चुअली हम काम करते हैं, जो हेस्को द्वारा स्थापित एक संस्था है। डॉक्टर अनिल जोशी जी इसके संस्थापक हैं। आज इस समय हम लोग होली के सीजन में हर्बल कलर्स बना रहे हैं, जो प्योर ऑर्गेनिक कलर है। कलरों के लिए बेस हमने अरारोट रखा है, चुकंदर का यूज कर रहे हैं गुलाबी रंग के लिए, हल्दी के लिए पीले रंग का यूज़ किया है, हरा रंग जो है पालक और धनिये से हमने निकाला, ऑरेंज कलर के लिए गेंदे के फूलों का प्रयोग किया है। तो पूर्णतः हर्बल कलर बन रहे हैं। जो महिलाओं का समूह है, लगभग 12 महिलाएं ऐसी जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं समूह में, और भी प्रोसेस करते हैं हम लोग, फूड प्रोसेसिंग पे भी काम करते हैं। इसके अलावा जब सीजनल काम आता है तो आसपास की भी गाँव की महिलाएं आ जाती है, जो नंबर 30 से 35 तक चला जाता है। तो इस तरह से महिलाएं जो है वो रोजगार भी पा लेती हैं। लगभग 300 रुपये किलो का रेट है, लेकिन वो बल्क में रखा है। उम्मीद है कि महिलाएं जब खुद मार्केट करेंगी तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इससे बेटर होगा। वही समूह में जुड़कर रोजगार पा रही स्थानीय महिला भगवती देवी कहती हैं कि वे रोजगार से जुड़कर खुश हैं। लोगों को हर्बल कलर्स का इस्तेमाल करवा कर आमदनी से भी जुड़ी हैं। भगवती देवी पिछले साल भी बनाया था, अभी भी बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वही रोजगार पा रही अन्य महिला गंगा बिष्ट कहती हैं कि समूह से जुड़कर हमें बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन गई हैं। वो कहती हैं कि इस बार उन्हें उम्मीद है पिछले साल से भी ज्यादा ऑर्डर हमारे पास आएंगे। मेरा नाम गंगा बिष्ट है, मैं ही कानिया से हूँ। यहाँ हम WRC में हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम हर्बल कलर बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ पास में हमारे घर के पास ये रोजगार खुला हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हर्बल कलर भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है।
अच्छा बेनिफिट मिलता है, मैं पिछले साल से हम ये काम कर रहे हैं। वहीं स्थानीय रिजॉर्ट से हर्बा कलर्स की खरीदारी करने आई आशा बिष्ट कहती हैं कि हम लोग यहाँ अपने रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों के लिए ऑर्गेनिक हर्बा कलर्स खरीदने आए हैं। यहाँ पर ये महिलाएं कई रंगों के कलर्स फलों और सब्जियों से बना रही हैं। हमारे रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों को हम होली पर ये हर्बा कलर पेश करेंगे। मेरा नाम आशा बिष्ट है, मैं अनंतम गेटवे रिजॉर्ट से आई हूँ और हम यहाँ पर सभी ऑर्गेनिक्स कलर्स के लिए आए, इन कलर्स लेने आए हैं। हम यहाँ पर काफ़ी साल मतलब लास्ट 1 ईयर से हम लोग यहाँ पर से ऑर्गेनिक कलर्स और अचार और जूस हम लोग यहाँ से परचेज करते हैं और यहाँ पर कलर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की हुई है, काफ़ी सारे फूल्स के, हल्दी के, सभी से इन्होंने कलर्स बनाए हुए हैं। वही रंग खरीदने आए समाज सेवी और खरीदार गणेश रावत कहते हैं कि मैंने पिछले साल इन गांव की महिलाओं से हर्बा कलर्स खरीदे थे जिन्हें सभी ने बहुत पसंद किया और इस बार भी फिर इन हर्बा कलर्स को होली मिलन समारोह के साथ ही परिवार के लिए ले जा रहे हैं। और जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं महिलाओं की, वो आत्मनिर्भरता यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि ये रंग इतने अच्छे हैं कि हम इनको खा भी लें तो शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं है और त्वचा को भी इन हर्बल कलर से कोई नुकसान नहीं है। देखिए, इन गांव की बहनों से मैंने पिछले साल हर्बल कलर खरीदे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, सबने पसंद किए। इस बार मैं फिर इन कलर्स को ले आ रहा हूँ, होली मिलन समारोह है और पूरी होली में परिवार के लिए भी मैं उन रंगों को ले रहा हूँ। तो बहुत अच्छे ये प्रयास है गाँव की बहनों का और पीछे से जो सपोर्ट है, कुल मिला के यही जो है आत्मनिर्भरता की जो बात हम करते हैं महिलाओं के बीच में, वो आत्मनिर्भरता भी दिख रही है। मैंने वहाँ पूछा तो उनका 2 क्विंटल से ज़्यादा रंग ऑर्डर हो चुका है, बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। और ये रंग इतने अच्छे हैं कि इनको हम खा भी लें तो शरीर को कोई नुकसान नहीं, हमारे जो है ना हमारी त्वचा को नुकसान है, बहुत अच्छे कलर हैं। और इन महिलाओं द्वारा तमाम तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं वहाँ पर, जैसे हर्बल कलर के साथ ये ऑर्गेनिक फूड पे कर रही हैं या मिलेट्स पे कर रही हैं या फिर जो है अपना एक शुद्ध अचार या जैम जेली मुरब्बा वगैरह बनाने का काम कर रही हैं। तो ये कुल मिला के इन समूह के माध्यम से वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, उनको थोड़ी बहुत आजीविका भी हो रही है और लोगों को भी अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को मिल रहा है। ये फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, इसी से हम नारंगी रंग बना रहे हैं। इसको भी पीसेंगे, पीस के फिर वो पानी निचोड़ेंगे, निचोड़ने के बाद वो सिर्फ पानी यूज होगा कलर का। और ये वाला जो हरा रंग है, ये हमने पालक से निकाला है, धनिया से भी निकाला है रंग, थोड़ा सा वाइब्रेंट आता है धनिया वाला कलर, पालक का कलर थोड़ा सा हल्का आता है लेकिन कलर बहुत अच्छे आते हैं दोनों। पालक को भी हम ऐसे प्रोसेस वही है, पालक को भी आप मिक्सर में ग्राइंड कर लो पानी के साथ, निचोड़ के कलर निकाल। मिला लो मिला लो। अपने ऑर्डर